हेलो गाइस, तो एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब गाइस, काफ़ी सारे लोग मुझे भाई कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई एप्पल के अंदर एपिक्स लेजेंड मोबाइल कब तक आएगा, यानी कि iOS डिवाइसेस में कब तक एपिक्स लेजेंड मोबाइल हमें खेलने के लिए मिलने वाला है। तो सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप एक iOS यूज़र हैं तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, मैं आपको सब कुछ बातें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर से हेल्पफुल रह सकती है। और भाई चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो एप्पल का डिवाइस है यानी कि iOS यूजर्स हैं उनके लिए गाइस ये गेम ज़रूर से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले देखने के लिए मिल सकता है। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक डेट या फिर एग्जैक्ट डेट बिल्कुल भी नहीं आई है कंपनी की तरफ से कि भाई इस स्पेसिफिक डेट या फिर एग्जैक्ट डेट को हम ये जो है वो एप्पल के अंदर भी रिलीज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस अभी भाई टेस्टिंग चल रही है जो कि बीटा टेस्टिंग है, और सिर्फ ये एंड्रॉयड के अंदर ही देखने के लिए मिलने वाली है हमें अभी तो। और गाइस बहुत जल्दी एप्पल के लिए भी ये अप्रोच होना शुरू हो जाएगी, यानी कि एप्पल के डिवाइस में भी हमें ये एपिक्स लेजेंड मोबाइल की गेम है वो देखने के लिए मिलने लगेगी। अब गाइस यहाँ पर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल दूंगा जिसका आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लिंक है, आपको जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ना हो तो, अदरवाइज गाइस मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर सिंपली मेंशन है एपिक्स लेजेंड मोबाइल के भाई एप्पल के लिए कि एप्पल में कब तक देखेगा। तो गाइस यहाँ पर साफ साफ मेंशन है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑफ दिस बीटा बिगिन स्प्रिंग इन द 2021 एंड विल ओनली बी अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस। द एपिक्स डायरेक्टर रोट, यानी कि गाइस जो एपिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखा हुआ साफ साफ कि एज वी कंटिन्यू विद द टेस्टिंग वी विल एक्सपेंड द साइज ऑफ दी स्टेट्स एंड गाइस यहाँ पे लिखा हुआ एड न्यू रीजन्स एंड इम्प्लीमेंट iOS सपोर्ट, यानी कि गाइस जो iOS का सपोर्ट है वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और गाइस आने वाले बीटा वर्जन में ही आपको iOS भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि iOS के लिए भी बहुत जल्दी आने वाले जो बीटा हैं उन्हीं में आपको iOS का भी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आप अपने ऐप स्टोर पर जाकर इस बीटा को डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस कितने अपडेट के बाद में आपको मिलेगा ये बिल्कुल एक्जैक्ट क्लियर मेंशन नहीं किया है, लेकिन बोला है कि भाई बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर सिंपली बस थोड़ा सा वेट करना है, बहुत जल्दी एप्पल वालों को भी खेलने के लिए मिलेगा, ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए और गाइस आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है कि जो नेक्स्ट बीटा आए उसमें भी iOS को ऐड कर दें, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट बीटा में आपको iOS के डिवाइसेस में सपोर्ट होने के लिए देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस कितना टाइम लगे है एक्सैक्ट नहीं पता है, लेकिन गाइस iOS में आएगा 100% कंफर्म है, और गाइस बहुत जल्दी आएगा। हालांकि गाइस अगर मैं बोलूं तो डेट तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप डेढ़ महीना अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1 से 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि गाइस अभी जो नेक्स्ट बीटा आएगा वो मे भी हो सकता है कि गाइस जो है वो ओपन बीटा हो, या फिर हो सकता है कि वो बीटा क्लोज भी हो। तो गाइस जो भी होगा वो पता पड़ेगा आगे, अगर कोई न्यूज़ आएगी उसके रिगार्डिंग तो मैं आपको और क्लियरली बता पाऊंगा, लेकिन गाइस अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है उस गेम की रिगार्डिंग तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन गाइस एप्पल के लिए आएगा ये बिल्कुल श्योर है। तो बस यार थोड़ा सा वेट करते रहिए, और भाई वीडियो पर नए हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।